कांगड़ा घाटी स्थित ज्वालामुखी शक्तिपीठ की मान्यता 51 शक्तिपीठों में सर्वोपरि मानी गई है। इन पीठों में एक ऐसी शक्तिपीठ है जहां मां के दर्शन साक्षात ज्योति के रूप में होते हैं। ये है कांगड़ा का ज्वालामुखी मंदिर। मां ज्वाला धरती पर आज ही के दिन आषाढ़ मास की अष्टमी को अवतरित हुई थी। प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि मनाई जा रही है और अब श्रावण मास भी शुरू हो गया है। पुजारी महासभा प्रधान पुजारी अविनेंद्र शर्मा ने बताया कि इन्हें गुप्त नवरात्रों की आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार मां ज्वाला प्रकट उत्सव आज शनिवार को मनाया जा रहा है। मान्यता है कि मां ज्वाला इसी दिन इस स्थान पर ज्योति के रूप में प्रकट हुई थी। प्रकट उत्सव के दौरान मंदिर में पुजारियों द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस बार वैश्विक महामारी के कारण भंडारा स्थगित कर दिया गया है और साधारण रूप से ही जन्मदिन मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 9 दिन तक चलने वाले गुप्त नवरात्रि का समापन भी 18 जुलाई रविवार को पूर्ण आहुति के साथ किया जाएगा। पुजारी अविनेंद्र ने बताया कि माता ज्वाला के प्रकट उत्सव पर पुजारी वर्ग द्वारा विधिवत पूजा अर्चना व 56 भोग लगाकर सूक्ष्म और साधारण तरीके से माता का जन्मदिन मनाया जा रहा है। जय माता की। आज श्रावण मास शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन महामाई का प्रकट उत्सव का पर्व विवाह ज्वालामुखी में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के ही दिन माता जी का धरती पर अवतरण हुआ था, इसी उपलक्ष्य में माता जी का आज जन्मोत्सव जो है रात्रि में विशेष तंत्रोक्त विधि से संपन्न किया जाता है और ये जो दिन है ये पूरे वर्ष में सबसे ही भव्य दिन के रूप में मनाया जाता है। कोविड करके प्रोटोकॉल करके थोड़ा इसमें अभी बंदिशें हैं, लेकिन अभी जो पूजा अनुसार माता का जो है वो पूजन आज रात्रि को 12 बजे विशेष रूप में किया जाएगा और माता से हम प्रार्थना करेंगे कि महामाई ये जो विश्व में जो संकट आए हुए इसका विनाश करे और सब भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा समाज शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। ये जो मंत्र है ये महामारी के विनाश के लिए है। अतः मैं सभी भक्तजनों से निवेदन करूंगा कि इस मंत्र का जाप करें ताकि महामारी जो है इस मंत्र की शक्ति के द्वारा आपको आपकी रक्षा करे और सबको दीर्घायु प्रदान करे। और ये जो नवरात्रों का विशेष जो गुप्त नवरात्रों का दिवस है इनमें किए हुआ जप तप यज्ञ फल सहस्त्र गुणा देने वाला होता है। और ये जो हमारे जो 4 नवरात्रे होते हैं जिसमें अपने चैत्र मास के और अश्विन मास के और माघ मास के और अषाढ़ मास के इन सभी नवरात्रों में ये नवरात्रा ज्वाला जी में विशेष पूजा के रूप में विख्यात है। अतः मैं ज्वाला महामाई से प्रार्थना करूँगा कि महामाई से भी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल ज्वाला माई की। सिटी चैनल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।